Hello student, so again myself Narendra Kumar from Vidyamandir Classes. So ye video number 4 hoga, isme jo organic chemistry ke remaining questions hai, to usko discuss karna hai. To directly start karte, to dekhiye ye hamare paas mein question hai 2014 paper 1 se. So question indicate kar raha hai hamare paas mein. Correct combination of names for isomeric alcohols with molecular formula C4H10OAR. तो C4H10 के जो possible isomeric alcohols है, ये हमारे पास में एक तो इस type का N-butanol हो जाएगा ये. N-butanol का systematic naming अगर हम करेंगे तो butane 1-ol आ जाएगा. और दूसरा हमारे पास में इसी टाइप का एक ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल की सिस्टमेटिक नेमिंग अगर हम करेंगे तो ये 2-methyl propane 1-ol हो जाएगा, 2-methyl propane 1-ol. और थर्ड हमारे पास में जो है ये जो है इस टाइप का 1-2-N3 2-methyl propane 2-ol. तो 2-methyl propane 2-ol, तो ये इनके सिस्टमेटिक नेम है. तब आप चेक कर सकते हैं, देखिए कि ये हमारे पास में जो ऑप्शन ए में टर्ड ब्यूटेनॉल गिवन है, टर्ड ब्यूटेनॉल का सिस्टमेटिक नेम 2-methyl propane 2-ol गिवन है, तो ये 2-methyl propane 2-ol ही होगा. तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो ए अगर करेक्ट हो गया तो बी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल का एक ही सिस्टमेटिक नेम हो सकता है. सी ऑप्शन में एन ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1-ol करेक्ट कॉम्बिनेशन है, और डी ऑप्शन में आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड 2-methyl propane 1-ol है. तो ये जो हमारे पास में एन ब्यूटेनॉल और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल होते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल होते हैं. तो प्राइमरी एल्कोहल में टर्मिनल पोजिशंस पे OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो 1-ol तो आना ही है. इस बेसिस पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है. तो इसका आंसर जो है ए बी एंड बी नहीं होगा, ए सी एंड डी करेक्ट आंसर आ जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक फिनोलिक कंपाउंड के हेलोजिनेशन पर बेस्ड है. सो द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जेड विथ डिफरेंट हेलोजन्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस इज गिवन बिलो. सो नॉर्मली हम ये स्टडी करते हैं कि फिनोलिक कंपाउंड को अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, तो ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स ईजीली प्रोड्यूस हो जाता है. बट इसके अंदर जो है एक्सटेंट ऑफ ट्राई हेलो प्रोडक्ट जो ऑप्टेंड होगा, अमाउंट जो ऑप्टेंड होगा, यील्ड जो ट्राई हेलो प्रोडक्ट की होगी, वो वेरी करती जाएगी. ये जो हेलोजन का साइज है उस पर भी डिपेंड करेगा, और अदर कोई एडिशनल सब्सिट्यूएंट अगर प्लेस्ड है तो उसका जो स्टेरिक क्राउडिंग है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उस पर भी बेस्ड हो सकता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये जो है एक फिनोलिक कंपाउंड है, और इस फिनोलिक कंपाउंड में ये मेटापोजिशन पे एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो प्लेस्ड है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसको जब हम X2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑब्टेंड होता है व्हेन X2 इज आयोडीन. सो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है वो एक बल्कियर साइज का हेलोजन ग्रुप है, और एक बल्कियर ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है. तो ये जो वेरियस पोजीशंस को अगर हम देखेंगे तो OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशंस हैं वो ये वाली ऑर्थो पोजीशंस हैं, और पैरा पोजीशंस इसकी जो है वो ये पोजीशंस है. इसमें से इस पोजीशंस को तो हम जनरली मतलब डिस्कार्ड कर देंगे, यहाँ पे कोई एक स्मॉलर साइज का ग्रुप ही अटैक कर सकता है. तो ये तीन पोजीशंस हैं यहाँ पे, जो प्रेफरेंस होगी सबसे ज़्यादा, जो प्रेफर्ड पोजीशंस होगी वो ये वाली प्रेफर्ड पोजीशंस होगी. सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन तीनों में जो है यहाँ पर अटैक करने की होगी, क्योंकि एक तो स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और ये यहाँ सेकेंड पोजीशन जो है प्रेफरेंस में ये हो जाएगी, और थर्ड पोजीशन जो प्रेफर्ड होगी वो ये वाली पोजीशंस प्रेफर होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो आयोडीन के अंदर अगर हम देखेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ही हो पा रहा है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए ये बेस्ट सुटेबल पोजीशंस हैं. टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप बल्कियर ग्रुप होने की वजह से इसकी ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक नहीं हो पाएगा, तो ये जो है मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. अब ये कहा जा रहा है कि इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे हेलोजन के साथ, और हेलोजन ब्रोमीन अगर है तो X2 = Br2,
तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। तो डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में अब आप देख सकते हो रिलेटिवली ये दो पोजीशन से जहां पर अटैक की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं हेलोजन के साथ में, और ये हेलोजन जो है हमारा क्लोरीन अगर है तो ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तीनों पोजीशंस जो है यहां पर अटैक हो जाएगा। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंस टाइप के डिफरेंट टाइप का जो एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन है इसका मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे एक तो हमारा ये OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इसका एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है। और ये जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है ये स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो हम द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं हम कि द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द हेलोजन, यस ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का जो साइज बल्क है इसलिए आयोडीन इज गोइंग टू ऑर्थो पोजिशन ऑफ OH ग्रुप नॉट टू द पैरा पोजिशन ऑफ OH ग्रुप, बिकॉज आयोडीन इज बल्क है एंड दिस टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज ऑल्सो बल्क है, सो देर इज अ सिग्निफिकेंट स्टेरिक क्राउडिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक क्राउडिंग ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। सो एक तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इन केस ऑफ आयोडिनेशन। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, दिस इज द मेन रीजन फॉर हेलोजिनेशन ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एक्सर्ट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट नॉट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो बेस्ट चॉइस इस क्वेश्चन के लिए जो है वो ए बी एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर सेइंग ए बी एंड सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज आर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन टाइप का है और एक अमाइड टाइप का है, और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो ये डाइक्लोरोमीथेन तो एक टाइप का सॉल्वेंट हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे दो NH2 ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो इजीली एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे ये प्राइमरी अमीन वाला मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर मेक इट लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफिलिक, सो दिस ग्रुप इज लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सो लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो अब साथ में हमारे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड है, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस एसाइल कार्बन पे होगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। सो प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि सिंपल सा ये जो हमारे पास में NH ग्रुप है इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा और अमाइड ग्रुप एज इट इज रहेगा, और साथ में ये जो डिटैच होगा यहाँ से एक H प्लस निकल करके एसिटिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट साथ में और प्रोड्यूस हो जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट होगा इसके अंदर। सो और इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो अब हम आंसर चूज कर लेते हैं। देखिए एक तो बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड साथ में प्रोड्यूस होगा, तो एसिटिक एसिड इज गिवन ओनली इन टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। और जो एसिटाइलेशन होगा वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का एसिटाइलेशन होगा, जो अमाइड ग्रुप वाला NH2 है उसका एसिटाइलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना, तो यू नो दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर। व्हाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर, बिकॉज
case like structure of water molecule due to hydrogen bonding. So the main reason for floating of ice in water is hydrogen bonding. Higher Lewis basicity of primary amines than tertiary amine in aqueous solution is again because of conjugate base of primary amine is more stabilized by solvation through hydrogen bonding than that of tertiary amine. Formic acid is more acidic than hydrogen bonding. This is not because of hydrogen bonding. In acetic acid, there is a electron releasing group, so it is less acidic, and no such electron releasing group in formic acid, hence it is more acidic. Dimerization of acetic acid in benzene is again is due to hydrogen bonding. So, ye hamare paas mein jo acetic acid hai, benzene mein agar hum dalte hain, to carboxylic acid when dissolved in less polar solvent get dimerized. And this dimerization is because of hydrogen bonding. So, यहाँ पे ये हमारे पास में hydrogen bonding एक important role play करेगा इस question के अंदर. So, question number 25 के लिए हम options choose अगर करते हैं, तो A option correct है, B option correct है और D option correct है, C correct नहीं होगा. So, A, B and D are the correct choices for this question. Now, next question says, consider all possible isomeric ketones including stereoisomers of molecular weight equals to 100. All these isomers are independently reacted with sodium borohydride. There is a note, stereoisomers are also reacted separately. The total number of ketones that give a racemic products is R. So, ye ek hame ketonic compound ka molecular formula predict करना है molecular mass की help से और फिर इसके possible structures find out करना है और उनमें से हमें उन structures को ढूंढना है जो sodium borohydride के साथ react करके reduce हो जाएंगे और एक secondary alcohol type का produce करेंगे और ये जो secondary alcohol है वो जो है racemic mixture की form में obtained होना चाहिए. तो यहाँ पे पहले तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास में कीटोन है इसका मॉलिक्युलर मास से फॉर्मूला क्या होगा. सो कीटोन का जो जनरल मॉलिक्युलर फॉर्मूला है वो CnH2nO होगा. तो यहाँ पे इसका मॉलिक्युलर वेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 12n प्लस 2n प्लस 16, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 H पर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 14n प्लस 16 इज इक्वल्स टू 100. तो n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे तो 100 माइनस 16 अपॉन 14. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू जो है हमारे पास में 6 आ जाएगी. सो कीटोन का जो मॉलिक्युलर फॉर्मूला है वो C6H12O हो गया. अब इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन से स्टार्ट करते हैं और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन के है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसमें कीटोनिक ग्रुप अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास में ये दो पोजीशंस हैं कीटोनिक ग्रुप प्लेस करने के लिए. तो या तो आप इस एंड से यहाँ पे प्लेस कर दीजिए या यहाँ पे प्लेस कर दीजिए. तो हमने पहली पॉसिबिलिटीज ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ को प्लेस करके ले लिया है और दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने सी डबल बॉन्ड ओ को यहाँ पे प्लेस कर दिया है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को एक कार्बन से शॉर्ट कर देते हैं और इसमें एक साइड चेन प्लेस कर देते हैं. साइड चेन को प्लेस करने के लिए हमारे पास में ये दो पोजीशंस है, या तो इनमें से किसी एक जगह लगा दीजिए या यहाँ पे लगा दीजिए. तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और दूसरा जो स्केलेटन हमारा बनेगा वो यहाँ पर साइड चेन को प्लेस करने से बन जाएगा. अब इस स्केलेटन पर हमें एक सी डबल बॉन्ड ओ प्लेस करना है तो वो सी डबल बॉन्ड ओ इन्हीं दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे आ सकता है और यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाएंगे. सी डबल बॉन्ड ओ को प्लेस करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं. चेन का जो सी एस टू वाला पार्ट है वहीं पे आप सी डबल बॉन्ड ओ प्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम चेन की लेंथ को एक कार्बन से और शॉर्ट कर सकते हैं और अब हमें दो सी एस थ्री प्लेस करने. अगर आप दो सी एस थ्री को अलग अलग कार्बन पे अगर प्लेस कर दोगे तो अब आप कीटोनिक ग्रुप नहीं अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशंस पे नहीं आएगा, मिडल पोजीशंस पे ही आएगा, चेन के बीच में ही आएगा और चेन के बीच में आने के लिए एक सी एस टू टाइप का कार्बन होना चाहिए. तो इसमें सी एस टू टाइप का कार्बन नहीं है. तो हमें कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों सी एस थ्री को सेम ही कार्बन पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा. तो ये एक हमारा कीटोन बन गया. अब और इसके स्ट्रक्चर जो है वो आप नहीं बना पाएंगे.
नाउ इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, ये काइरल कार्बोनेटम है, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है और इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास में एक कीटोन मिला है जिसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे हम स्टीरियो आइसोमर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में हम इसके दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के कीटोन्स हो गए हैं। अब एक ऐसा कीटोन आइडेंटिफाई करना है जिससे रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में कोई भी एक ग्रुप R1 है, ये कोई भी एक ग्रुप R2 है कीटोन पर, और इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट कराना है तो ये C डबल बॉन्ड O का सेकेंडरी एल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा। सो जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा R1, R2 और ये OH और ये H होगा। तो अब ये R1 एंड R2 अगर डिफरेंट है तो फिर ये कार्बन जो होगा हमारा काइरल कार्बोनेटम होगा, ठीक है, और ये कार्बन काइरल होने का मतलब ये प्रोडक्ट एज ए रेसिमिक मिक्सचर की तरह प्रोड्यूस होगा। R1 और R2 में पहले से कोई कार्बन काइरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से कोई भी कार्बन काइरल नहीं होगा तभी रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है, और अगर कोई कार्बन पहले से ही अगर काइरल होगा तो फिर तो डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा R1 और ये R2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, इससे भी रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, इसमें भी रेसिमिक मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि कोई काइरल कार्बन नहीं है, इसमें भी रेसिमिक मिक्सचर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई काइरल कार्बन एटम नहीं है, और इसमें भी कोई काइरल कार्बन एटम नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है हमारा ऑलरेडी काइरल है, ये कार्बन जो है वो ऑलरेडी काइरल है, तो इसका मतलब अब इसके रेस्पेक्ट में दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे और वो जो दो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एनेंशियोमर्स नहीं होंगे, वो डाइस्टीरियोमर्स होंगे, तो उससे रेसमिक मिक्सचर्स तो प्रोड्यूस नहीं होगा, डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये जो है वो रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो वन टू थ्री फोर फाइव, ओनली फाइव कीटोन एविंग मॉलिकुलर मास 100 व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोड्यूस रेसमिक प्रोडक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी फाइव, सो फाइव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड बाई कम्प्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड शोन बिलो। तो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें करना है। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें जो है हमारे पास में कहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखिए, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो हाइड्रोलिसिस होगा वो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। अब ये बॉन्ड क्लीव होने के बाद में ये जो पोर्शन ऑब्टेंड होगा हमारा, ये पोर्शन एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इस पोर्शन को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हमारा जो है वो ग्लाइसिन टाइप का बन जाएगा, इससे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो एक तो ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये इसके साथ में जो दूसरा एंड है, ठीक है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये यहाँ से हो गया, तो यहाँ से भी ये ग्लाइसिन ही ऑब्टेंड होगा। सिमिलरली अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये जो पार्ट निकल के आ रहा है ये कोई भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड नहीं होगा। इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, जो वेरियस टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा आर ग्रुप होता है उसमें कोई भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप नहीं होता है, उसमें कोई भी टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होता है, तो ये कोई नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट जो जनरेट हो रहा है ये एक अमीनो एसिड होगा लेकिन नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड नहीं होगा, अल्फा अमीनो एसिड ही होगा। और सिमिलरली ये यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये भी कोई नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये पार्ट भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड नहीं होगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से जाएगा और ये जो है वो यहाँ से चला जाएगा। तो अब अगेन जो ये जो एक रिमेनिंग पार्ट है इसके अंदर भी, इनफैक्ट इसके अंदर तो कोई फ्री अमीन ग्रुप भी नहीं होगा, तो ये तो अमीनो एसिड वाला पार्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये NH2 नहीं बनेगा, ये NH2COOH बन जाएगा, ये एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स बन जाएगा। सो ओनली वन नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पेप्टाइड। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, सो वी आर गेटिंग ओनली वन डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। सो
Altogether, we can say we obtained three type of amino acids, and out of these three type of amino acids, there is only three. Basically, there are four type. So, एक ये part जो हमारा वो different type का है. मैं structures बना देता हूँ. कौन-कौन से amino acids यहाँ पे obtained होंगे इसके hydrolysis से. तो ये एक तो जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है उससे जो हमारा अमीनो एसिड आ रहा है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NH2 ग्रुप एक ये अमीनो एसिड हो गया. दूसरा जो ये एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो अटैच्ड है उससे ऑब्टेन होने वाले अमीनो एसिड को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया और यहाँ से ये NH2 आ जाएगा और ये CH2 एंड साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ गया. दूसरा अमीनो एसिड ये ऑब्टेंड हो रहा है. फिर एक अमीनो एसिड को अगर हम देखेंगे तो ये एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर प्लेस्ड है और इस टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप से ये NH2 ग्रुप प्लेस्ड है और ये COOH ग्रुप प्लेस्ड है. तो ये एक अमीनो एसिड यहाँ से और आ जाएगा इस टाइप से. इसके इनफैक्ट 1, 2, 3 मोल्स ऑब्टेंड हो जाएंगे. ठीक है, इसके अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में इसका 1 मोल फॉर्म हो जाएगा. इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके 3 मोल्स फॉर्म होंगे और एक हमारे पास में और जो है अमीनो एसिड आएगा और ये अमीनो एसिड जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे प्लेस्ड है और यहाँ पे ये NH होगा, ये CH2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ गया और NH के साथ अगर हम देखेंगे यहाँ से ये हाइड्रोलाइज हो गया है ऊपर ये CH2 एंड देन COOH आ रहा है और साथ में ये जो साइड वाला हमारा NH2 CH2 COOH आ गया. तो इसके जो है वो 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसका जो है वो 1 मोल फॉर्म हो रहा है. आउट ऑफ दिस 4 टाइप ऑफ अमीनो एसिड दिस इज ओनली नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड. ये बेसिकली वेरियस टाइप के जो अमीनो एसिड्स है उनका जो स्ट्रक्चरल नॉलेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सो नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड एंड दिस वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स. ये भी एक टाइप से अल्फा अमीनो एसिड ही है बट ये नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 होना चाहिए. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स शोन बिलो इज फास्टेस्ट व्हेन. तो इस ईथर को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारा ये जो है कोई भी एक बॉन्ड क्लीव कर देते हैं और इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो गया. तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं मैकेनिज्म वाइज. सो ये जो भी हमारे पास में ईथर है इसके अंदर 3 फिनाइल ग्रुप प्लेस्ड है कार्बन के पास, एक टर्शरी बेंजाइलिक टाइप का ग्रुप प्लेस्ड है. तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये हमारा जो इथरल ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होगा और इथरल ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन से ये प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब प्रोटोनेटेड ईथर जो है वो क्लीव हो करके माइनस ROH प्रोड्यूस हो जाएगा और ये एक ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा. अब इस ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर उसमें से एक H प्लस का लॉस हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा. ये ROH तो पहले ही यहाँ पे बना लिया. अब हमें कहना है इसको ये जो हाइड्रोलिसिस है वो फास्टेस्ट किस केस में होगा. सो ऑप्शन इज 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई अ मिथाइल ग्रुप. अगर आप यहाँ पे किसी एक फिनाइल को मिथाइल से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इंटरमीडिएट का, सपोज ये फिनाइल मैंने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है वो इसके रेस्पेक्ट में लेस स्टेबल होगा. तो लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये जो हमारा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम हो गई तो ये वाला स्टेप तो और स्लो हो जाएगा अगर हम
एक फिनाइल को मिथाइल से रिप्लेस कर देंगे, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है. सो ए कैन नॉट बी द आंसर. वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप. अब एक फिनाइल को अगर हम पैरा मिथॉक्सी फिनाइल से अगर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप प्लेस कर दिया है. अब इस पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा डायरेक्टली इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है वो मोर स्टेबल होगा, तो रिएक्शन इस ईथर के रिस्पेक्ट में फास्ट रिएक्शन हो जाएगी. यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट हम देख सकते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के बेसिस पे. सो ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगी इसमें. एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फास्टेस्ट हमें ढूंढना है. टू फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय टू पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप. तो दो फिनाइल ग्रुप को अगर रिप्लेस करना है तो फिर और ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, फास्टेस्ट रिएक्शन जो है वो इस कंपाउंड के अंदर होगी. सो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल अमंग दीज थ्री, अमंग दीज फोर स्पीसीज. सो ये हमारे पास में जो है एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इस टाइप का अगर हमारे पास में फिनाइल ईथर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो फास्टेस्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो साइड में जो मिथॉक्सी ग्रुप है इनका भी हाइड्रोलिसिस हो जाए साथ में, बट हमें तो जस्ट रिलेटिवली रेट चेक करना है. तो आई होप ये थ्योरेटिकली हो रहा होगा कि फास्टेस्ट जो है वो किस केस में होगा. तो यहाँ पे एनी ग्रुप दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. नो स्ट्रक्चरल चेंज इज मेड टू एक्स. स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड करने से ही इसको जो है रिएक्टिविटी में चेंज आएगा. सो वी गो विथ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फास्टेस्ट रिएक्शन व्हेन टू फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय टू पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप. तो इसका आंसर जो है हमारा सी आना चाहिए. सी इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो ये हमारे पास में एक हेलो कीटोन है और इस हेलो कीटोन को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर में हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करा रहे हैं. तो ड्राई ईथर में 0 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा. तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये हमारे पास में एक ये कीटोन है, इस कीटोन को हेलो कीटोन है, इसको हम CH3MgBr के साथ ड्राई ईथर में 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करा रहे हैं. तो सबसे पहले तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको दो पोजीशंस मिलेगी. इन पोजीशंस पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ है. अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव है. यहाँ पर अगर ये हमारा जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला कार्बन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन यहाँ पे अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड क्लीव होगा. ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन यहाँ पर अगर अटैक कर सकता है तो सिग्मा बॉन्ड को क्लीव होने लगेगा. तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. और ये जो हमारा कार्बन है CH3, ये जो कार्बोनिल कार्बन जो है वो दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक. सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑलवेज अटैक ऑन मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स. सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक हो जाएगा यहाँ पे और ये हमारे पास में बन गया O माइनस और ये CH3 हो गया, ये CH3 और यहाँ पे ये माइनस MgBr प्लस आ गया और ये Cl हमारा अटैच्ड है. सो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक करेगा और इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. अब एक और पैरेलल पॉसिबिलिटीज थी कि ये यहाँ पर जो हमारे पास में इस पोजीशंस पर हाइड्रोजन एटम है ये इसको भी निकाल सकता है, बट चेक करो आप यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है. तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसलिए हम जो है सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे, एलिमिनेशन वाले प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे. तो ये एक 5 मेंबर रिएक्शन हो रही है
SNI टाइप का रिएक्शन हो गया, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस टाइप की जो रिएक्शन है वो उस टाइप की रिएक्शंस हो जाएगी। तो 1 डिग्री के साथ में सब्स्टिट्यूशन इजीली हम करा सकते हैं। तो ऑक्सीजन को इंक्लूड करके ये एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और ये 2 CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ से MgBrCl का फॉर्मेशन हो गया। एक और अल्टरनेट पॉसिबिलिटी मैं बता रहा था कि ये इंट्रामोलिकुलर E2 टाइप कुछ हो जाए, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। तो उस इंट्रामोलिकुलर के अंदर ये जो हमारा O माइनस है वो अगर इस H प्लस को बाहर पुल कर लेता है और फिर ये यहाँ पे अटैक कर जाता है और फिर ये यहाँ से बाहर चला गया अगर, तो एक और जो पैरेलल पॉसिबिलिटी है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो गया OH और इस कार्बन के पास में ये 2 CH3 ग्रुप प्लेस्ड है, ये CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। सो ये तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम सब्स्टिट्यूशन जो है प्रेफर करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्वस एसिड दे रहा है, एक्वस एसिड बेसिकली इसको हटाने के लिए दे रहा है। या अब अगर आप ये भी आपने बना लिया एक्वस एसिड अगर दे दिया तो एक्वस एसिड इसको प्रोटोनेट करेगा और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है वहाँ पे, बट ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि हमें कंसिडर करना चाहिए। एक्वस एसिड यहाँ पे बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है एक्वस एसिड की। सो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा जो है वो यही होगा, मेजर प्रोडक्ट इस प्रोसेस के अंदर यही बनेगा। सो आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। तो बीटा नेफ्थॉल एक तो एल्कलाइन फॉर्म में लेना है हमें और इसके अंदर जो है वो डाइएजोनियम क्लोराइड को ऐड करना है। सो डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल नो, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल नो, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल नो, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल इज द बेस्ट चॉइस फॉर डाई टेस्ट। सो डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन पाथवेज फॉर परोक्सी एस्टर्स आर शोन बिलो, मैच ईच पाथवे फ्रॉम लिस्ट 1 विथ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फ्रॉम लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे परोक्सी एस्टर्स को अगर आप एनालाइज करते हैं तो इसमें इट्स वेरी इजी। परोक्सी एस्टर्स जो है ऑन हीटिंग गेट डिकम्पोज और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास में मैं कह सकता हूँ कि परोक्सी एस्टर के अंदर हमें कुछ नहीं करना है कि हमें इसको ब्रेक कर देना है और यहाँ से ये जो हमें एक ग्रुप दिखाई दे रहा है इस ग्रुप को बाहर निकाल देना है। हीट करने से थर्मल क्लीवेज होगा और होमोलिटिकली बॉन्ड्स का क्लीवेज हो जाएगा। तो एक तो ये हमारा ग्रुप CO2 यहाँ से पुल कर लीजिए। CO2 पुल करने के बाद में हम कह सकते हैं कि एक तो ये जो है हमारा रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये वाला जो R वाला पार्ट है ये एक रेडिकल की तरह यहाँ से बनेगा। तो एक रेडिकल तो ये R वाला रेडिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में अगर CO2 बाहर जा रहा है तो इसका ये R रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में जो है ये रेडिकल प्रोड्यूस होगा। अब दूसरे स्टेप में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन ये भी शो कर रहा है कि ये जो एक एल्कॉक्सी रेडिकल प्रोड्यूस हो गया है ये एल्कॉक्सी रेडिकल जो है वो फर्दर डिकम्पोज हो रहा है। तो एल्कॉक्सी रेडिकल फर्दर डिकम्पोज होने का मतलब हो गया कि ये जो R डैश है वो भी एक स्टेबल टाइप का बन रहा होगा, तो इसलिए इसमें से एक ग्रुप फर्दर एलिमिनेट हो गया है इस बॉन्ड का। अगर R डैश अगर स्टेबल बन रहा है तो फिर इस बॉन्ड का भी हमें होमोलिटिक क्लीवेज करके एक कोई न्यू ग्रुप जनरेट करना होगा, इसके अंदर एक बॉन्ड और हमें कहीं ना कहीं से ब्रेक करना होगा। तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो पहले में तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो पी ऑप्शन है उसके अंदर आपको डायरेक्टली देख लेना है कि ये वाला जो है वो स्टेबल होना चाहिए और ये इससे अंदर R डैश जो है वो एक अनस्टेबल टाइप का रेडिकल प्रोड्यूस होना चाहिए, अनस्टेबल टाइप का, तभी एक ही स्टेप में होगा। और जहाँ पे भी फर्दर पॉसिबिलिटी अगर नजर आएगी स्टेबिलिटी की तो वो 2 स्टेप में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है बेसिकली कंक्लूजन है, होमोलिटिकली आपने बॉन्ड क्लीव कर दिया यहाँ पे और ये यहाँ से जो है फिर CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हम कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर करते हैं तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस वाला आइडिया बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर है।
ठीक है, एक स्टेप में बता देता हूं यहां पे, तो ये परोक्सी एस्टर है, तो इस परोक्सी एस्टर के अंदर ये जो हमारा बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक हो गया, तो इस बॉन्ड के होमोलिटिक वे से एक ये CO2 आर्स CO2 डॉट प्रोड्यूस हो गया और ये R डैश O डॉट प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो बॉन्ड है वो फर्दर होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा ये ऐसे, तो इसके क्लिवेज से ये R डॉट बन जाएगा और ये CO2 जनरेट हो जाएगा साथ में। सो ये बेसिकली यहाँ पे जो है आइडिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं तभी बता पाएंगे कि क्या है। तो ये हमारे पास में पॉसिबल ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के बेसिस पे अब हम कंपेयर करते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अब देखिए कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ऑप्शन जो वन है, ठीक है, उसके अंदर क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ऑप्शन वन के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में वो एक बेंजाइल ग्रुप प्लेस्ड है यहाँ पे, तो आर साइड के अंदर, तो बेंजाइल ग्रुप जो प्लेस होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और साथ में ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है लगा हुआ, तो इससे जो भी हमारा बनेगा तो ये हमें CO2 यहाँ से बाहर पुल कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में CO2 बाहर चला गया, डायरेक्टली पहले ही स्टेप में निकल आएगा और ये बेंजाइलिक रेडिकल बनेगा और साथ में ये मिथॉक्सी रेडिकल बन जाएगा। तो इसका पाथ जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो आर पार्ट है हमारा ये अगर स्टेबल होगा, एस्टर का जो आर पार्ट है ये अगर स्टेबल होगा तो डायरेक्टली इसमें से CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पाथ। सेकंड पाथ के अंदर हमारे पास में सेकंड जो कंपाउंड है उसके अंदर ये फिनाइल ग्रुप प्लेस्ड है यहाँ पे और ये एस्टर ग्रुप हो गया ओ ओ एंड अगेन जो है यहाँ पे ओ सी एस थ्री आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप इस CO2 को बाहर निकालते हो तो जस्ट फिनाइल रेडिकल बनेगा और उससे जो है किसी की पॉसिबिलिटीज नज़र नहीं आ रही है हमें। तो यहाँ पे तो जस्ट डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक फिनाइल रेडिकल बन गया, दैट्स ऑल, और उसमें पॉसिबिलिटी को अगर चेक करेंगे तो क्या हो सकता है। तो ये हमने CO2 यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो CO2 का एलिमिनेशन नहीं हुआ और ये ब्रेक हो गया क्योंकि फिनाइल रेडिकल जो है वो इतना स्टेबल रेडिकल नहीं होगा, तो सी एस थ्री ओ डॉट बन गया। अब ये जो हमारे पास में फिनाइल रेडिकल बन गया है, ये फिनाइल रेडिकल फर्दर यहाँ से जैसे हमने मैकेनिज्म कंसिडर किया था उसके क्लिवेज से CO2 एलिमिनेट होगा और ये सी सिक्स एच फाइव डॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सेकेंड में ये पॉसिबिलिटीज हमारी आएगी। थर्ड के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड के अंदर हमारे पास में अगेन एक जो है बेंजाइलिक ग्रुप आ गया यहाँ पे। इस बेंजाइलिक ग्रुप के अंदर इसको हीट करने से डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही जो है हम कह सकते हैं कि CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और ये एक और यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल विद बेंजाइलिक ग्रुप टाइप का ग्रुप अटैच्ड है। तो इस ग्रुप के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहीं पे जो है CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो CO2 हम यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये एक स्टेबल रेडिकल बन रहा है, बेंजाइलिक रेडिकल C6H5CH2 प्लस। इसके साथ में ये जो एक रिमेनिंग रेडिकल बन रहा है हमारा, इसके अंदर एक और रेडिकल के बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये ऑक्सीजन जो है सजेस्ट कर रहा है कि इस कार्बन के पास में भी डॉट आना चाहिए, तो इस कार्बन के पास में डॉट तभी आएगा जब ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। सो अब इसके एलिमिनेशन से ये यहाँ पे एक तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और साथ में ये एक और बेंजाइलिक रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को वापस से चेक करते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड पे अगर मैं वापस जाता हूँ तो इसके अंदर देखिए कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन को कंसिडर किया गया है, कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन को कंसिडर किया गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो वो जस्ट मतलब यहीं से बन सकता है, एक तो थ्री से बन सकता है और एक फोर से बन सकता है कार्बोनिल कंपाउंड, और किसी से नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा पाथ क्यू और आर है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का डिस्कशन हो रहा है, तो पाथ क्यू और आर में कार्बोनिल कंपाउंड को हमें सोचना है। तो पाथ क्यू और आर के अंदर जो है वो थ्री एंड फोर होने चाहिए, तो थ्री एंड फोर पाथ क्यू एंड आर के अंदर, तो आंसर जो है आपका ए या बी में से ही कोई होगा, ए या बी में से ही कोई होगा, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा
CO2 जो इलिमिनेट हो रहा है वो किसी स्टेबल बेंजाइलिक रेडिकल वाले से ही इलिमिनेट होगा. तो वापस से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो एक स्टेबल बन गया, ये जो है हमारे पास में ये वाला कोई हो सकता है कि या तो ये वाला होगा, क्योंकि ये तो इसी में आ गया, इन दोनों में से देखकर देखेंगे तो यही वाला होगा. तो इसका मतलब पाथ पी को जो है वो डेफिनेटली वन फॉलो करेगा, पाथ क्यू और आर को जो है थ्री और फोर में से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फॉलो करेगा. अच्छा, यहाँ पे एक और हिंट है हमारे पास में, और वो हिंट ये है कि देखिए पाथ क्यू का जो एक रेडिकल है वो आर है, पाथ पी का एक रेडिकल आर है, पाथ क्यू का भी जो एक रेडिकल है वो आर रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और जो हमारे पास में ठीक है यहाँ पे ये जो रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम रेडिकल जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं. मतलब इससे आर डैश से जो भी बन रहा है वो भी एक आर ही रेडिकल बन रहा है यहाँ पे. तो ये यहाँ पे जो है हिंट दे रखा है यहाँ पे, तो इनको चेक करके हम बता सकते हैं क्या क्या हमारे ऑप्शंस इसमें से जो है वो करेक्ट हो सकते हैं. इस क्वेश्चन इसके अंदर अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट स्टेप में तो ये ब्रेक ही हो जाएगा और उसके बाद में CO2 इलिमिनेट होगा और कार्बोनिल कंपाउंड ब्रेक होगा. तो ये फर्स्ट स्टेप में जस्ट डायरेक्टली ब्रेक हो गया, CO2 इलिमिनेट नहीं हुआ, फिर CO2 इलिमिनेट हुआ और उसके बाद में ये कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है. तो इसका ये दोनों सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप में जो रेडिकल बनेगा हमारा वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए डायरेक्ट CO2 इलिमिनेट नहीं होगा, पहले जस्ट परोक्साइड बॉन्ड क्लीव होगा और फिर उसमें से CO2 इलिमिनेट होगा. और यहाँ पे जो है बेंजाइलिक रेडिकल के बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्टली जो है वो CO2 इलिमिनेट हो जाएगा. ये इस ऑक्सीजन के पास में जैसे ही डॉट आएगा वो फोर्स करेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है इमिडिएटली होमोलिटिकली क्लीव हो जाना चाहिए. सो पी और क्यू जो है वो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि वन और फोर से रिलेटेड है. तो पी और क्यू में बेसिकली वन और फोर होना चाहिए, वन एंड फोर. पी एंड क्यू में वन और फोर, क्यू और आर में बेसिकली थ्री एंड फोर में कॉम्पिटिशन होगा, तो वो हमें चेक करना होगा कौन सा होगा. पी में डेफिनेटली वन होगा, दैट इज श्योर. तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है. तो ये लास्ट वाला भी आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे जिसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन बन जाएगा और ये जो है हमारा फिनाइल रेडिकल बन जाएगा. तो फिनाइल रेडिकल जो है टू से भी बनेगा और फिनाइल रेडिकल जो है फोर से भी बनेगा. तो फिनाइल रेडिकल टू से भी बनेगा और फिनाइल रेडिकल जो है वो फोर से भी बनेगा. तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो फिनाइल रेडिकल वाले जो कॉम्बिनेशन हमारा है टू एंड फोर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं आर और एस पाथ के अंदर. तो आर और एस पाथ के अंदर ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर सी ओ टू का एलिमिनेशन हो रहा है. तो ये जो है हमारा फिनाइल रेडिकल टाइप का रेडिकल होना चाहिए. सो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए पी के अंदर डेफिनेटली वन ही होगा, तो उसी के बेसिस पे हमारा आंसर आना चाहिए. सो ये हमारे पास में इसका आंसर ए हो गया. सो गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फोर स्टार्टिंग मटेरियल्स पी क्यू आर एस गिवन इन लिस्ट वन विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन स्कीम 1, 2, 3, 4 प्रोवाइडेड इन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. तो यहाँ पे इनको हमें कंपेयर करना है और इस कंपैरिजन से ही हमें देखना है कि हमारा क्या आंसर हो सकता है. तो देखिए प्रोडक्ट जो लिस्ट टू के अंदर गिवन है सब में 6 and more नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और लिस्ट वन के जो वेरियस रिएक्टेंट्स हैं उनमें सब में भी 6 and more कार्बन एटम नहीं है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे पी जो आ गया. तो पी के लिए अगर हम देखेंगे तो बेसिकली एक वेल नोन रिएक्शन है हमारे पास में और वो इथाइन की रिएक्शन है. इथाइन को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करते हो तो ये ट्राइमराइज हो जाता है. ट्राइमराइज होने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 6 आ जाएंगे. तो ये डेफिनेटली है कि ये जो हमारा पी है वो स्कीम 3 से डेफिनेटली मैच करेगा. तो पी अगर स्कीम 3 से डेफिनेटली मैच कर रहा है तो हमारा जो आंसर है वो बेसिकली बी और सी में से कुछ होना चाहिए. नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास में लिस्ट वन के अंदर ये केमेनो फोर एंड ओएच माइनस है. तो केमेनो फोर और ओएच माइनस के साथ हीट कर रहे हो तो बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड को केमेनो फोर ओएच माइनस के साथ हीट कर रहे हैं तो द आइडिया इज थिंक लाइक हम एक साइड चेन ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं. तो साइड चेन ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल केस है और वो है एस के लिए. एस में ही साइड चेन ऑक्सीडेशन हो सकता है और तो किसी के अंदर साइड चेन ऑक्सीडेशन जो है हो ही नहीं सकता है इसके लिए यहाँ पे.
तो एस के लिए हम स्कीम वन को प्रेफर कर सकते हैं. एस के लिए हमारा स्कीम वन जो है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसी में साइड चेन जो है पॉसिबल होगा. एक और आइडिया यहाँ पे, जैसे फिनोली कंपाउंड वेन एवर कम इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट क्लीव्ड कम्प्लीटली. तो जैसे आपने वो एक रिएक्शन भी पढ़ा होगा, फिनॉल को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो है हमारा क्विनॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो सेम थिंग जो है वो यहाँ पर भी हो जाएगी. केमेनोफोर इवन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो क्यू के साथ जो है वन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, एस के साथ जो है डेफिनेटली वन की पॉसिबिलिटीज़ है. तो मेरे हिसाब से एस के लिए जो है वो वन एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है. सो मेरे हिसाब से कंक्लूजन यही है कि हमने पी के लिए दो चॉइसेस देख ली, थ्री एंड थ्री. ठीक है, थ्री एक चॉइस है लेकिन ऑप्शन में दो है, और एस के लिए डेफिनेटली एक ही मैच कर रहा है और वो है वन नंबर. ठीक है, तो अब हम बाकी देखिए, मैंने जो आइडिया लगाया उसी के बेसिस पे, बाकी आप ये स्कीम से रिएक्शंस कराओगे तो एग्जैक्टली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा और उसमें, बट इट्स लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. इस तरीके से अगर हम किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें अटेम्प्ट करना चाहिए. इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एस जो है वो डेफिनेटली आप चेक भी कर सकते हो, एस से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है. लेट्स से सपोज, तो ये हमने इसको केमेनोफोर एंड ओएच माइनस के साथ हीट किया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए एच प्लस आ गया, तो ये जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया. अब इस मतलब पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड आ गया, अब इसको हम SOCl2 के साथ क्रिएट कराएंगे तो ये पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, और पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइट, ये पैरानाइट्रोबेंजनामाइड फॉर्म हो जाएगा. तो ये इसमें 7 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है, एक अमाइड ग्रुप वाला ऑक्सीजन और एक 2 नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन. तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा जो मैच कर रहा है. सो इन माई ओपिनियन इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो सी होना चाहिए. सो चेक कर लेते हैं. यस गुड, तो आंसर इज सी. तो ये जो है हमारे पास में एक क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर नाइट्रोजन इज. सो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपको. तो यहां पे ये जो भी हमारे पास में बीटा नेफ्थॉल है, इस बीटा नेफ्थॉल को OH- माइनस के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. तो ये जो है NaOH के साथ रिएक्ट कराने, इसके मतलब हो गया कि ये बीटा नेफ्थॉल एसिडिक है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा. अब इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं हमें. तो ये O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो देखिए पहले स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास में बेंजीन रिंग है इसी को हम चेंज कर लेते हैं. बेंजीन के जो कैकुलेज स्ट्रक्चर होते हैं उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं जितने ईजिली ड्रॉ हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस बेंजीन रिंग को रोटेट कर दिया है, तो इस बेंजीन रिंग के मल्टीपल बॉन्ड को रोटेट कर दिया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया. दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब इस बेंजीन रिंग के मल्टीपल बॉन्ड को रोटेट कर देते हैं. तो इसके ये जो हमारे ग्रुप्स हैं वो सेम रखेंगे हम पोजीशंस पे, इसको हम रोटेट कर दे रहे हैं. तो ये हमने इसको रोटेट कर दिया, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास में इसी के बेसिस पे आ गए. अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम किसी एक को ले लेते हैं और उसमें डी लोकलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसी के कंटिन्यूशन में. ये हमने यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ आ गया. सो ये हमारा माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसको यहाँ पे डी लोकलाइज करते हैं और ये यहाँ चला जाएगा. ये एक क्लोज साइक्लिक कॉन्जुगेशन टाइप का बन गया. तो आप चेक कर सकते हैं कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, बिना ड्रॉ किए ही आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी अल्टरनेट पोजिशन पे जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सम टाइम देयर मे बी सम मिस्टेक. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये डीलोकलाइज होकर के यहाँ आ जाएगा. अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं उनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे बेंजेनॉइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये नॉन बेंजेनॉइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये यहां पे आ गया हमारा, अब यहां से इसके स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाते हैं तो हम दो पाथ को फॉलो कर सकते हैं, एक हम ये कंसिडर कर सकते हैं और दूसरा जो है हम इधर जा सकते हैं। तो यहां पे जो माइनस है उसका एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने बना रखा है, लेकिन उस केस में अगर आप डबल बॉन्ड को अगर देखोगे तो वो इस फॉर्म में नहीं है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसको चेक करिए और इसको चेक करिए, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है वो इसी पार्ट में होगा और उसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की फॉर्म में हो रहा है। और इससे अगर हम करते हैं आ गया, अब इसको जब हम करेंगे तो ये वापस से हमारा जो है वो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, सो टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड एन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हमने 2014 तक के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है और एक ये क्वेश्चन 2015 पेपर वन का आ गया, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।